तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से बनाएंगे और इसमें आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का स्वाद मिलेगा। और ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आपने एक बार बना लिया तो हर बार बनाना चाहेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसको बाउल में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तेल, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें से हम 2 से 3 चम्मच आटा अलग बाउल में निकाल लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब बचे हुए आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो हमें पराठे के आटे जैसा आटा लगा के तैयार करना है, तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। तो देखिए, हमने आटा लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरीके का आटा हमें लगा के तैयार करना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट होता है, हम इसके लिए फिलिंग बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले आलूओं को कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला और इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आलू का मसाला जितना चटपटा रहेगा, नाश्ता हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हमने जो अलग बाउल में आटा बचा के रखा था, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके का घोल हमें बना के तैयार करना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। साथ ही आटा को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसकी एक बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार करना है और रोटी जितना पतला बेलना है। तो दोस्तों, आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए, झट से बना के तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपने इसे एक बार बना लिया तो हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो देखिए, हमने इसे बेल लिया है और इसे रोटी जितना पतला बेला है। अब हमने जो आलू का मसाला बना के रखा था, उसमें से थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरीके से हम रख देंगे और चम्मच से इसको अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। तो हमने मसाले को पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर टमाटो सॉस लगा देंगे। टमाटो सॉस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब नाश्ता हमारा और ज़्यादा चटपटा बने, इसके लिए हम इस पर थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। तो हमने चटनी को भी अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके किनारे को एक तरफ से उठाएंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी रोटी फोल्ड कर लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झट से बन के तैयार हो जाता है। अब इसको हाथ से हम थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेंगे और अब हम इसको काट लेते हैं। तो मैं इसे आधा इंच मोटा काट रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार इसे मोटा या पतला काट सकते हैं। तो हमने इसे काट लिया है। अब इसमें से एक पीस लेंगे और इसको उंगलियों की मदद से इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा चपटा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्हें बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हमने जो घोल बना के रखा था, अब इसमें से एक पीस लेंगे और इस घोल में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हम इसे तेल में डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें मीडियम गर्म करना है और इसी तरीके से हम इन्हें कोट करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको एक तरफ से फ्राई होने देंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, तब हम इनको पलटेंगे। तो ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको पलट देते हैं।
और इसी तरीके से हम इनको अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, और अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।